राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी से नीचे आ गया है। वहीं CQM ने भी क्रैप 4 में लगी पाबंदियां भी हटा दी हैं। इसके चलते दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी सोमवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दिए गए वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता में सुधार होने पर CAQM ने दिल्ली NCR में गैर BS4 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों और दिल्ली में ट्रकों के घुसने पर लगा बैन हटा दिया है। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग की बैठक हुई। इस दौरान पूर्वानुमान लगाया गया कि अगले 3-4 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी गंभीर श्रेणी में नहीं जाएगा।